हेलो, वेलकम बैक। आवर टॉपिक ऑफ द वीडियो इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, राइट? एज यू कैन सी ओवर हियर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो बेसिकली वी नो दैट हु इज अ कंज्यूमर और हु इज अ कस्टमर, राइट? वी ऑल आर कस्टमर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स और लॉट ऑफ कंपनीज और लॉट ऑफ गुड्स, राइट? अब आपको जनरली एक चीज़ पता है, वन थिंग यू नो वेरी वेल, इन केस आप कोई डिफेक्टिव मटेरियल किसी कंपनी का परचेस कर लेते हो या डिफेक्टिव सामान आपके पास आ जाता है, सो दैट कंपनी विल हैव टू चेंज इट, राइट? जनरली वी ऑल नो दैट। ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी को वो चेंज करना पड़ेगा इन केस अगर उसने कुछ डिफेक्टिव मटेरियल आपको दे दिया है, बेच दिया है ना, आपने परचेस कर लिया है। सो कंपनी विल हैव टू चेंज दैट इन दैट गुड्स और थिंग, राइट? बट इन केस वो चेंज नहीं करते हैं तो यू कैन फाइल, इन दैट सिचुएशन यू कैन फाइल अ लीगल, यू कैन फाइल अ केस और टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर कंपनी, राइट? सो दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन जनरल। सो ये तो हमें पता ही है, कस्टमर क्या होता है और कैसे क्या कंप्लेंट होती हैं, राइट? वी विल कम टू नो और वी विल अंडरस्टैंड सम लीगल पॉइंट्स ऑफ, राइट? हमें लीगल पॉइंट से मतलब है, जनरली तो सबको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट, इसको देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर कौन है, ठीक है? हु इज़ अ कंज्यूमर? सो फर्स्ट थिंग है ना, कोई कंपनी है, ये सिचुएशन हम लोग यहाँ पर पहले देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग, देर इज़ अ कंपनी, ठीक है? उसका कोई गुड्स भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकती हैं, ठीक है? दोनों चीज़ें हैं, गुड्स भी हैं और सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती हैं, ठीक है? हम सर्विसेज भी लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सेलफोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें एयरटेल का सिम है या आइडिया का सिम है या जियो का सिम है। सो वी आर क्या है, जो जियो जो कंपनी है वो क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है और हम उसके यूज़र हैं, राइट? सो कोई भी कंपनी है, उसका कोई गुड्स है या कोई गुड्स है योर आइदर सर्विसेज हैं, राइट? उनको जो यूज़ कर रहा है, उनका जो यूज़र है ना, जैसे सपोज दैट समवन इज़ यूजिंग सेलफोन ऑफ सैमसंग, राइट? सो वो सैमसंग का यूज़र है या और कोई कंपनी है उसकी हम सर्विसेज ले रहे हैं, सो वो हम उसके यूज़र हैं, है ना? सो जो ये गुड्स और किसी भी कंपनी के गुड्स और सर्विसेज को जो यूज़ कर रहा है, उसका जो यूज़र है वो कौन है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, कंज्यूमर है, ठीक है? हु दैट पर्सन इज़ अ कंज्यूमर, है ना? कंज्यूमर, कस्टमर, राइट? फर्स्ट थिंग इसमें ये देख लेते हैं कि जो एक्ट था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाम से ये है, ठीक है? कंज्यूमर, देर इज़ अ एक्ट विच इज़ नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और सो फर्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, वो आया था 1996 में। एंड सेकेंड, ये मैं आपको बता दूं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस साल, है ना, फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ 2021 क्लैट। ये जो एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अगेन आया है सेकेंड टाइम, ठीक है? इस एक्ट ने इसको रिपील कर दिया है ना, ठीक है? इसने इसको रिपील कर दिया 1986 वाले को, विच मीन्स इसने 2019 में इस एक्ट को वापस से अमेंड करके पास किया है पार्लियामेंट ने, अगस्त 2019 में। और 1986 में जो एक्ट था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया है बाय द एक्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, है ना? लास्ट ईयर की बात है, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। दैट इज़ वाई ये रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है, दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। और इसमें जितने भी लीगल पॉइंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है? लीगल पॉइंट्स हमें देखना है, राइट? सो अब इसको आगे पढ़ते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग भाई क्या है क्या नहीं है, है ना? और हु आर दी एजेंसीज बिहाइंड दैट। सो फर्स्टली हम देखते हैं कंज्यूमर, मैंने बता दिया आपको कौन होता है, ठीक है, कंज्यूमर या कस्टमर। नाउ अब बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है? इसमें क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एजेंसीज हैं, है ना? देर आर वेरियस एजेंसीज प्लेस्ड एट द नेशनल लेवल, यानी विद इन कंट्री और इंटरनेशनल लेवल, ठीक है? दोनों ही जगहों पर, नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल पे, देर आर सर्टेन एजेंसीज जो जिन्होंने क्या किया, कंज्यूमर से रिलेटेड राइट्स जो थे, एक कस्टमर के या कंज्यूमर के राइट्स को क्या करा, इन लोगों ने सबसे पहले स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया कि कंज्यूमर का कोई ना कोई राइट्स होना चाहिए, राइट? बिकॉज पहले सिचुएशन क्या थी, पे एंड गो, ठीक है? खरीदो, परचेस करो और चले जाओ, ठीक है? उसके बाद कोई ना गारंटी वारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, ठीक है? तो इससे क्या हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, है ना?
सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, कस्टमर को एक्सप्लॉयट किया जाता था, ख़राब सामान दे दिया जाता था बिना गारंटी वारंटी के। इस सिचुएशन को देखते हुए इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए और सबसे पहले कंज्यूमर के राइट्स को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। पहले जो सिचुएशन थी पे एंड गो, वो कन्वर्ट हो गई एक एज अ पॉलिसी, परचेज आर गुड्स वी गिव यू गारंटी। ठीक है, सो अब आपको पता है कि आइदर गारंटी होता है या फिर वारंटी होता है किसी भी सामान पे। कोई भी आप कोई भी मटेरियल परचेस करते हो, आप कोई भी गुड्स परचेस करते हो या सर्विसेज हायर करते हैं, सो उसमें हमें आइदर गारंटी और वारंटी मिलता है। ठीक है, तो ये कहाँ से आया गारंटी और वारंटी? ये एजेंसीज जो राइट्स फिक्स करे हैं उनसे, उसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, सो अब हमें ये हो गया इन। ठीक है, इसके बाद इसी ये जो राइट्स हैं इनमें ही गारंटी, राइट ऑफ गारंटी और वारंटी के साथ साथ राइट टू इंफॉर्मेशन भी आ गया। राइट, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी अंडर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हैं या कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आरटीआई में भी आती हैं। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपने मैगी के बारे में सुना है। ठीक है, मैगी सभी लोग खाते हैं। अभी कुछ सालों पहले, एक विद इन वन और टू ईयर बैक, ये बात है पुरानी है, दो साल। ठीक है, मैगी से रिलेटेड आपने देखा था कि मैगी पे बैन लग गया था। ठीक है, तो मैगी पे बैन कैसे लगा? जैसे मैगी पे बैन लगा था वो एक एग्जांपल अलग है, बट सपोज दैट आप ये जानना चाहते हैं एज अ कस्टमर और एज अ वेदर यू आर अ कस्टमर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी और नॉट, एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप एक जानना चाहते हो कि मैगी में किस टाइप के कंटेंट्स हैं या वो अपने फूड मटेरियल में आइटम में क्या क्या कंटेंट्स डालते हैं, व्हाट आर दी एसेंशियल एलिमेंट्स और कंटेंट्स दे आर एडिंग, राइट, सो आप पता कर सकते हो। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन से ये इसलिए ये प्रोवाइडेड है ना, आरटीआई जो हम पढ़ते हैं ना वो। तो राइट्स में हमारा एक कस्टमर का राइट्स जो हैं उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन भी आ जाता है अबाउट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कंपनी। राइट, इसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, इंडिया में सबसे पहले 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। ठीक है, और 1986 के ही एक्ट में तीन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर फोरम का सेटअप हुआ, कंज्यूमर फोरम्स का सेटअप भी हुआ। ये हमारा लीगल पॉइंट है। ठीक है, ये एलपी है, लीगल पॉइंट क्या है, एक फोरम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग फोरम्स हैं, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, जिस टाइप से हमारा हाई कोर्ट, ठीक है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उसी टाइप से फोरम, कंज्यूमर फोरम्स भी होती हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, हाई कोर्ट लेवल पे, या फिर ये बोल लो कि इससे ऊपर वाला जो लेवल है नेक्स्ट लेवल, उस पर स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल। राइट, सो इस टाइप से कंज्यूमर फोरम्स का सेटअप हुआ, यानी यहाँ पर हम लोग, कोई कंज्यूमर है, कोई कस्टमर है, वो क्या कर सकता है, अपने ग्रेवियंसेस का रेड्रेसल उसको यहाँ से मिलेगा, वो कंप्लेंट यहाँ पर फाइल कर सकता है, यानी जो केस फाइल करना है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फोरम में होगा और स्टेट लेवल पे स्टेट कंज्यूमर फोरम में, नेशनल लेवल पे नेशनल कंज्यूमर फोरम में। राइट, यानी डिस्ट्रिक्ट की अपील आप स्टेट में कर सकते हो और स्टेट की अपील जो है स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जो है वो नेशनल कंज्यूमर फोरम में होगा। तो इस टाइप से पहले एक फोरम सेटअप हुआ। राइट, अब क्या है, बहुत सारे लॉज हैं, 2004 तक इसको बहुत बार अमेंड कर चुके थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को। ठीक है, और 2004 के बाद भी इसमें कंटिन्यूसली अमेंडमेंट होते रहे। फाइनली 2019 यानी लास्ट ईयर 2019 अगस्त की ये बात है ना, गवर्नमेंट ने क्या किया, 1986 का जो एक्ट था उसको रिप्लेस कर दिया बाय द एक्ट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। ठीक है, तो अब ये एक तरीके से थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और इसमें जो मेनली जो चेंजेस हुए हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे इन आर क्लासरूम सेशन। इसमें मेनली ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो हैं, ई कॉमर्स, ठीक है, उनके अगेंस्ट काफ़ी, या अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए, है ना, उनको भी इसमें इंक्लूड किया। ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह जो हैं या ई कॉमर्स, ई परचेसिंग जो भी हम करते हैं उनसे रिलेटेड कुछ लूप होल्स थे उनको बाय द एक्ट ऑफ 2019 उसमें इंक्लूड किया हुआ है। राइट, इसके बाद अगर हम देखें क्या सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ही एक ऐसा एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है या एक कस्टमर को प्रोटेक्ट करता है। राइट, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे लॉज हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये हमने पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा के पूरा चैप्टर पढ़ा है इसका। राइट, तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसमें भी देर आर लॉट ऑफ प्रोविजंस
जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में कोर्ट जा सकती हैं, ठीक है, कोई भी कोर्ट जा सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में, राइट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी प्रोविजंस हैं, सेंट्रल लेजिस्लेशंस हैं, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, ठीक है। इसके बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट है, एंड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये एक थोड़ा सा स्पेशल, मैं आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हैं, ठीक है। सो इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अपार्ट भी देर आर सर्टेन लॉज, सर्टेन एक्ट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्ट हैं जो क्या करते हैं, कंज्यूमर से रिलेटेड राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, एक कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। अब देखो, ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात कर रहा था मैं, ठीक है। ये एक्ट लोगों ने बहुत कम सुना था, ठीक है, बट रिसेंटली ड्यू टू लॉकडाउन, ठीक है, इन केस अगर आपने न्यूज़ वगैरह, इंग्लिश न्यूज़ चैनल या इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा होगा तो आपने इस एक्ट को देखा होगा, ठीक है। ये एक्ट जनरली नॉट इन केस ऑफ इमरजेंसी और नॉट इन केसेस लाइक लॉकडाउन, बट जनरली भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या है, इसका एप्लीकेशन हमें इन जनरल लाइफ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। हमें पता नहीं चलता, जनरली पता नहीं चलता, लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की एप्लीकेशन हमें डे टू डे लाइफ में भी देखने को मिल सकती है। कैसे मिलती है मैं बताता हूँ। अभी ड्यू टू लॉकडाउन तो ये पता चल ही रहा है लोगों को कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट नाम की भी कोई कोई लॉ है ना। जैसे आपने न्यूज़ में सुना होगा, गवर्नमेंट जो बोल रही है ना कि एसेंशियल कमोडिटीज का जो सप्लाई है, राइट, वो रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा, यानी वो कंटिन्यूअसली उसको परमिशन मिलेगा। एसेंशियल कमोडिटीज जो हैं उनका सप्लाई कंटिन्यू बना रहेगा, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन किसी भी टाइप का नहीं रहेगा। अब एसेंशियल कमोडिटीज़ में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे डेली लाइफ रूटीन के लिए नेसेसरी हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल हो गया, गैस, ठीक है, फूड आइटम्स एट्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं उनका सप्लाई चालू रहेगा या उनका सप्लाई जो है वो कंटिन्यू रहेगा, ऐसा गवर्नमेंट का बोलना है। वो गवर्नमेंट क्यों बोल रही है, बिकॉज वो इन चीज़ों को रेगुलेट कर रही है इससे, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से। बट ये तो लॉकडाउन की बात हो गई, पर्टिकुलर सिचुएशन की, बट इन जनरल, ठीक है, जनरली भी ये जो एक्ट है ये इसका एप्लीकेशन हमें हमारे आसपास देखने को मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊँ कैसे देखने को मिलता है, जैसे आपने कभी ध्यान दिया हो, शायद ऑब्वियस सी बात है आपको देना चाहिए, बट आपने जैसे कभी देखा होगा कि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, ठीक हैवी व्हीकल्स होते हैं, उनको क्या होता है, उनको डे टाइम में, ठीक है, डे टाइम में परमिशन नहीं होता कि वो किसी सिटी को में इंटरनली ट्रैवल करें, इंटरनल ट्रैवल का परमिशन उनको नहीं होता है, ठीक है। बट आपने देखा होगा कि पेट्रोल टैंकर्स जो होते हैं, ठीक है, पेट्रोल के जो टैंकर्स होते हैं, ठीक है, पेट्रोल टैंकर्स वगैरह जो होते हैं, या गैस के, आपने देखा होगा गैस सिलेंडर्स रखे होते हैं ट्रक्स में, और वो आपको सिटी में डे टाइम में भी मिल जाएंगे, किसी भी सिटी में आप रहते हो, कहीं भी रहते हो, भोपाल, इंदौर, एक्स वाई जेड, ठीक है, वो आपको डे टाइम में भी इंटरनली सिटी में ट्रैवल करते हुए, घूमते हुए, गूफिंग करते हुए मिल जाएंगे। ऐसा क्यों है, उसका रीजन है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, बिकॉज दे आर सप्लाइंग एसेंशियल कमोडिटीज, राइट, दे आर इंगेज इन सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। ये जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो ट्रक टैंकर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये दे आर इंगेज इन टू द सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, और वो जो उनका जो ट्रैवल है, इंटर सिटी ट्रैवल जो है इंटरनली, वो यहाँ से प्रोटेक्टेड है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो ये मैं बता दूँ आपको, स्पेशली थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना कि देर इज़ अ लॉ विच इज़ कॉल्ड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, बिकॉज ड्यू टू दिस लॉकडाउन और ड्यू टू दिस एपेडेमिक जो ये सिचुएशन जनरेट हुई हैं, इसमें ये थोड़ा सा लाइट में आ गया है, ठीक है। तो फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ 2021 क्लैट कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको इससे रिलेटेड कोई चीज़ देखने को मिल जाएगी। सो आई होप कि आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके बारे में जो लीगल पॉइंट्स हमको पता करने थे वो हम अवेयर हो गए हैं उनसे, ठीक है, कि पहले क्या सिचुएशन थी। बेसिकली इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम और नेशनल कंज्यूमर फोरम, ये अलग ही फोरम है, ठीक है, इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स, है ना। और ये डील सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉस या कंज्यूमर प्रोटेक्टेड जो कंज्यूमर से रिलेटेड जो
जितने भी ग्रेवियंसेज या कंप्लेंट्स फाइल होती हैं उनके रिगार्डिंग ये काम करता है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच, वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.